Hello and welcome to the highlights of the big final of National Triangular T20 Women's Cricket Championship 2020. Two best sides of the tournament, Challengers and Dynamites, were head-to-head to achieve the crown. Today's pitch was more helpful for the spinners as it has few cracks on it. Important toss was won by Dynamites and elected to field first. Challengers got the services of experienced Pisma Maroof, Kainat Afiz and Nidar Dar. Dynamite included in-form Nahida Khan, Aisha Zafar and Kainat Imtiaz. Let's join the commentators to know the action. Well, so final ki pehli ball, khidne ke liye tayyar hai. Diana hi pehli ball, isko down the leg side aur isko LBW ki appeal bhi ki thi Diana. Aur tak baat kar rahi hu mera Farah se. पहली बॉल डॉट बॉल डाउन द लेग साइड, इसको निकाल दिया फाइनल की जानिब, चार रन्स, पहली बाउंड्री इस फाइनल मैच की मिल गई है। स्टार्ट ऑफ बाउंड्री और शुरू की बाउंड्री से एक अच्छी शुरुआत। फ्लाइट के साथ पहली गेंद की ड्राइव कर दिया है, बड़ा खूबसूरत ड्राइव दो फील्डर के दरमियान से, चार रन्स मिले। वेलकम बाउंड्री फॉर नशरा और नशरा को आते ही पड़ गया एक चौका और इस बार बोल्ड कर दिया है। कप्तान ने विकेट हासिल कर लिया है इस फाइनल मैच की पहली विकेट, बड़ी खुश हैं कि पहले ही आते ही बोल्ड कर दिया है, एक कामयाबी हासिल की है। She came, she saw and she conquered. रामीन आई अपनी टीम को बचाने के लिए कि कहीं ये पार्टनरशिप सेट ना हो जाए। इस पावर प्ले में ही एक विकेट मिलना बहुत जरूरी है, बिकॉज पावर प्ले का गेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है दानिश, यही ब्रेक थ्रू मिलना जरूरी है और जबरदस्त बोलिंग एफर्ट। एक बार फिर स्वीप करने के लिए गई हैं, लेकिन यहां पर आयशा गेंद के पीछे भाग रही हैं, रफ्तार गेंद की उनसे ज्यादा है, चार रन फिर मिले। वन स्वीप, टू स्वीप एंड थर्ड टाइम वो कामयाब हो गई जो वो करने की कोशिश कर रही थी। एक बाउंड्री हासिल हुई है अपनी टीम के लिए, चैलेंजर्स के लिए ये चार रन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कदम निकाले, चार्ज किया, डीप मिड विकेट की जानिब बॉल बढ़ रहा है, ताकुब ऐसा फील्डर का डाइव जरूर लगाई लेकिन रोक नहीं पाई, चार रन मिले। और 129 दफा इस टूर्नामेंट में बॉल फेंस से बाहर जा चुकी है एज अ बाउंड्रीज, और एक अच्छा नंबर है। एक बार फिर शानदार शॉट मिड विकेट की जानिब, बहुत ही बेहतरीन शॉट, बिस्मा का अपना एक्सपीरियंस रोकार लाते हुए, उनको मालूम था फील्डर नहीं मौजूद है मिड विकेट पे और हवा में खेल दिया, एक शानदार बाउंड्री हासिल की। तो आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्रीज की तादाद बढ़ते हुए और देखना होगा कि हाथ लगा या नहीं, अपील जरूर किया और आउट दे दिया अंपायर ने। ओह कितना अनफॉर्चुनेट विकेट हुआ ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिस्मा का विकेट एक अनफॉर्चुनेट तरीके से हासिल किया डायनामाइट्स ने, लेकिन विकेट्स मैटर करती हैं जैसे भी वो हैं। डिसअपॉइंटेड बिस्मा मारूफ, 18 रन बना सकी 12 बॉलों पर, एक्सपेंसिव ड्राइव मारा है सीधा, कोई मौका नहीं दोनों फील्डर्स के लिए, शानदार बाउंड्री हासिल की है यहाँ पे सदफ ने, खड़े खड़े इस स्ट्रोक को मैनेज किया। कदमों का इस्तेमाल सीधा के लिए और टांगों के दरमियान से बॉल निकल गया, चार रन्स के हासिल हो गए बैटर्स को, लेकिन यहां पे फील्डर को इतना ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि कैच के अटेम्प्ट के लिए गई थी वो, थोड़ा फ्लैट बॉल था। फुल टॉस, टांग पे चार रन्स मिल जाएंगे, बहुत ही शानदार बैटिंग, शानदार बैटिंग से ज्यादा पूरी बॉलिंग है ये कायनात की तरफ से। कदमों का इस्तेमाल सीधा और बहुत ही शानदार कैच, बॉलर ने खुद ही कैच पकड़ लिया, कॉर फ्लाइट डिलीवरी और आते ही क्या शानदार अनाउंस किया है अपने आप को इस छक्के के साथ, बहुत ही शानदार आगाज अपनी बैटिंग का, तो ये इंटेंशन शो करते हुए कि भाई हम रोकने नहीं आए। एग्जैक्टली, और ये अच्छा शगुन है कि जिस वक्त आप आए एग्रेशन शो करें। एक बार फिर सेम प्लेस, देखना है क्या सेम रिजल्ट होगा या नहीं, सेम रिजल्ट, छह रन्स, तो आग लगा दी आते ही आयशा ने, मिड विकेट के जाने लगातार दूसरा छक्का। ओह बड़ी हिट लगाने गई थी ऑफ स्टंप पे, लगता है कि ये बॉल जाकर लगा लेकिन बैटर अब भी वहां पर मौजूद थी, क्लीन बोल्ड किया, ये बॉल सीधा रहा
और इस दफा वो जिसको कहते हैं कि मछली को कांटे में फंसाने की कोशिश कामयाब रही और आउट होने के बाद वापस भूजल खत्मों के साथ 14 रन बनाने के बाद इस फाइनल मैच में वापस फ्लाइट दिया, कदम निकाले, इनसाइड आउट, लॉन्ग ऑफ के पास कोई मौका नहीं कि इस्माइल को रोक पाए। 4 रन के लिए बॉल फेंस के बाहर। वेल, कमाल का शॉट, फ्लाइट भरपूर मिल गई थी यहाँ पर, ये देखते हुए अपने कदमों को इन्होंने इस्तेमाल किया और बड़ी खूबसूरती के साथ 4 रन समेटे। अपेश केला डीप मिड विकेट और बहुत ही उम्दा एक एक्सीलेंट कैच थामने में कामयाब हुई अपने आगे गिरते हुए और कैच ऑफ द टूर्नामेंट। कमाल, इनफैक्ट सुभाना की ये बात आप देखें, एक सेटअप किया उन्होंने और पहले जिस तरह से फ्लाइट के साथ गेंद कर रही थी और इस बार शॉर्ट गेंद किया। निदार आउट होकर जा रही है, लो फुल टॉस, एक बार फिर बॉल हवा में है और इस दफा अच्छा कनेक्शन था, टाइमिंग अच्छी थी कि फील्डर के सर के ऊपर से बॉल गई 6 रन के लिए। फ्लाइट डिलीवरी मिड विकेट की जाने, बड़ा शॉट, बड़ा छक्का, बहुत ही शानदार बैटिंग जारी है। ऑन पे फ्लैट सिक्स और बहुत जरूरी था ये टीम चैलेंजर्स के लिए बिकॉज बाउंड्रीज मिल नहीं रही थी, सिंगल डबल भी करना मुश्किल हो रहा। एक और फ्लाइट डिलीवरी हवा में खेल दिया है मिड विकेट की जाने, एक थप्पड़ लग के बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन और बॉल कर दिया, बहुत ही शानदार बॉलिंग, सीधा खेलें गैप में, 2 रन की कोशिश जरूर करेंगी और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स और थोड़ा लेट हो गई और अंपायर ने आउट करार दे दिया। इसे ड्राइव कर दिया है हवा में, 4 रन हासिल होंगे, बहुत ही खूबसूरत बैटिंग, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ सर्कल के अंदर मौजूद था और अच्छी गेम अवेयरनेस, थोड़ा पीछे हो गया बॉल और जिसे खेल दिया स्क्वायर लेग की जानेब, दोनों फील्डर्स फाइनल लेग और स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर और आसानी से गैप तलाश किया, 4 रन हासिल किए। कदमों का इस्तेमाल किया है, जोरदार शॉट खेल दिया है और गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। एक और शॉर्ट बॉल की है और पॉइंट और कवर के दरमियान से इस बार निकालने में कामयाब रही, पॉइंट की फील्डर गेंद के पीछे है लेकिन रोक नहीं पाएंगी, 4 रन। वेल एक्सीलेंट शॉट, बड़ा जबरदस्त गैप को पिक किया, प्लेसमेंट की इसको पॉइंट और बैकफुट पॉइंट के दरमियान से। इस बार करकट निकलेगी, कॉर्ड बिहाइंड की बड़ी जोरदार अपील, अंपायर अब्दुल मुकीत ने उंगली फिजा में बुलंद की, पहला नुकसान उठाना पड़ा है डायनामाइट्स को, आयशा जफर आउट होने के बाद वापस डक आउट में। इस बार क्या खूबसूरती के साथ थर्ड मैन की जानिब इस गेंद को निकाल दिया है, 4 रन हासिल किए हैं, एक्सीलेंट, ये एज नहीं हुआ, इसको प्रॉपरली शॉट को खेला, बॉल को बावर करवाया के नीचे रहे और डेलीगेट खेला। जी हाँ, शायद आपकी बात नाहिदा ने सुन ली है, निकल के दे मारा है सीधा लॉन्ग ऑफ के, फील्डर जो है वो सर्कल के अंदर था और बहुत ही आराम से टाइम कर दिया है, 4 रन हासिल किए। नाहिदा ने वाकई मेरी बात सुन ली है और ये जरूरी था बहुत, अपने हाथ आहिस्ता आहिस्ता नाहिदा को खोलने होंगे। कदमों का इस्तेमाल, सीधा लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद और एक और कैच छोड़ दिया और कैच के साथ साथ छक्का भी हासिल हो गया टीम को। एक बार फिर गैप में खूबसूरत शॉट, 4 रन हासिल होंगे। हफसा ने भी कहा मैं कैसे पीछे रहूं, 4 रन इंपॉर्टेंट, 4 रन फॉर डायनामाइट्स। एक बार फिर ड्राइव मारना चाहती थी, जोरदार अपील और आउट, अंपायर ने आहिस्ता से अपनी उंगली फिजा में बुलंद की और आउट दे दिया। बहुत बाहर था ये बॉल, वाइड होना चाहिए था लेकिन इसको खेल गई और प्रोडक्टिव खेल गई, एक बाउंस के बाद बॉल फेंस पार कर गई लॉन्ग ऑन पे 4 रन के लिए। रूम बनाई और ओवर द लॉन्ग ऑन खेला लेकिन कामयाब नहीं हुई, डिस्टेंस हासिल नहीं कर पाई, निराडार ने लॉन्ग ऑन पे एक अच्छा कैच थामा। बेहतरीन बॉलिंग डिस्प्ले बाय यंगस्टर उरूब, बकायदा ट्रैप किया नाहिदा को और लालच दी जिस तरह की उन्होंने बॉल
फेंकी नाहिदा ट्रैप हुई और आउट हुई। एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है ये चैलेंजर्स के लिए। क्रॉस खेल गई, स्पेस मौजूद है, स्क्वेयर लेग का एरिया जहां बॉल फेंस पार कर गई, चार रन्स। गैप फाइंड करने में कामयाब हुई और बहुत देर से चारी थी, बहुत देर से खामोश था कायनात का बल्ला यहां पे। बाहर निकली अपनी क्रीज से, बल्ला लेट आया वापस, अंपायर का फैसला कि ये आउट है और बहुत बड़ी प्राइस विकेट। और देखे इस खुशी का आलम, डिसीव कर दिया, समझ नहीं पाई बॉल को, बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कब पड़ी और कब कहां गई। बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है ये यहां चैलेंजर्स के लिए। अरूप साहब ने कामयाबी हासिल की, उमाइमा वापस हुई 11 रन बनाने के बाद, चौथी खिलाड़ी 85 पे। खेल दिया है गैप में, फील्डर्स के लिए कोई मौका नहीं, चार रन हासिल किए, तो मच नीडेड बाउंड्री जो कि पिछले एक डेढ़ ओवर से रिक्वायर्ड थी हासिल किए यहां पे। कायनात और एरम की पार्टनरशिप बहुत अहम है डायनामाइट्स के लिए। यहां गैप में मारा है, मिड विकेट के फील्डर आते हुए लेकिन नहीं रोक पाएंगे, चार रन हासिल किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बाउंड्री, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हासिल किए डायनामाइट्स के लिए, और इसके साथ ही अपने 100 रन भी मुकम्मल कर लिए, 102 पे जा पहुंचा स्कोर। आहिस्ता आहिस्ता ये गाड़ी चलते हुए दानिश। जी हाँ, डाउन द लेग साइड इस गेंद को निकालने में कामयाब रही है मिड विकेट की जानिब दो फील्डर्स के दरमियान से। डाउन द लेग और खराब बॉल टांगों की जानिब, चार रन हासिल कर लिए, बहुत ही आसान सा शॉट, सिर्फ बैट लगाना था बॉल पे। ये बेहतर बॉल है, सीधा सीधा फील्डर के हाथ में, क्या बात है, बहुत ही शानदार बॉलिंग और उससे ही बेहतरीन कैच, बहुत ही क्रूशियल विकेट हासिल किया। और एक्सपीरियंस कैंपेनर बिस्मा मारूफ को कैच दे बैठी हैं इरम, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मौके पे एक इंपॉर्टेंट विकेट हासिल कर लिए चैलेंजर्स ने। स्लोर वन सीधा खेल दिया है, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था लेकिन चार रन हासिल हो गए कायनात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बाउंड्री जिसकी हम बात कर रहे थे। Although बहुत अच्छा तरीके से टाइम नहीं हुआ था लेकिन सीधा खेली थी गैप में और चार रन हासिल किए कायनात ने। बड़ा शॉट हवा में बॉल, बिस्मा मारूफ नीचे है और कैच ड्रॉप कर दिया और इस सूरत में दो रन भी शायद बन जाएंगे लेकिन रन आउट हो गए डायना पे एक दूसरे एंड पे क्योंकि उनको तो वापस आना ही था। तो एवरीथिंग इज हैपनिंग हियर, सब कुछ हो रहा है, कभी बैटिंग ऊपर कभी बॉलर्स ऊपर। कायनात की बड़ी शॉट मिड विकेट की जानिब और इस तरीके से चैलेंजर्स ने ये मैच जीत लिया है। तो चैंपियन डिफेंडिंग चैंपियंस एक बार फिर से चैंपियंस हो गए हैं वुमेन टी20 चैंपियनशिप की, एक शानदार कामयाबी चैलेंजर्स के लिए। ज्यादा टोटल डिफेंड नहीं करना था लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस टारगेट को डिफेंड किया है। वेल कांग्रेचुलेशंस टू चैलेंजर्स के जिन्होंने नेशनल ट्रायंगुलर टी20 वुमेन्स क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 का टाइटल अपने नाम किया। 1 मिलियन रुपीस दिए जाएंगे इनको, क्या बात है जी, डिफाई चैंपियन, और वो कप अपने पास रखा इन्होंने जो पिछली बार जीता था, ये खुशियां मना रही है, डिजर्व करती है ये। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, जितनी भी तारीफ की जाए इस टीम की वो कम है, जिस तरीके से अपने आप को एग्जीक्यूट किया इन्होंने इस टूर्नामेंट में।